तो देखिए मेरे हाथ में ये जो है Xiaomi 11 आई है। आज इसमें बताएंगे कि डबल टैप से स्क्रीन को कैसे ऑन किया जाता है और क्या प्रोसेस है ऑन करने का डबल टैप से, और डबल टैप से ऑफ कैसे होता है। तो चलिए बताते हैं कि डबल टैप से स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। तो सेटिंग को ओपन करते हैं, बट वीवो और सैमसंग की तरह इसमें नहीं होगा डबल टैप से जैसे ऐसे ऑफ हो जाता है, वैसे ऑफ नहीं होगा। मैं बताता हूँ किस तरह से ऑफ होगा। तो यहाँ सेटिंग में चलते हैं और वैसे तो सर्च करके ही ढूंढ लेते हैं, फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर डबल टैप प्रेस करते हैं, डबल टैप पर क्लिक करते हैं। डबल टैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा डबल टैप टू वेकअप, यहाँ से पहले से ऑफ रहेगा, ठीक है ना, वेकअप और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे स्क्रीन को बंद करते हैं, तो ये स्क्रीन खुल गया। फिर से करते हैं डबल टैप, ये खुल गया। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इस पर डबल टैप करेंगे, अब फिर से डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। मतलब कि लॉक स्क्रीन पे ही आपका जो है डबल टैप से ऑफ हो सकता है स्क्रीन, बाकी ऐसे जो है आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ नॉर्मल स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल, इसमें डबल टैप करने से आपका स्क्रीन ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन जो है ऐसे रखते हैं, अब ऑन करते हैं, फिर से डबल टैप करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है। मतलब लॉक स्क्रीन पे आपका जो है डबल टैप करने से स्क्रीन जो है ऑफ हो जा रहा है, बट वैसे आपका जो है नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप डबल टैप से स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। मेनली ये डबल टैप से स्क्रीन को ऑन किया जा रहा है बट इससे ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।